मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हीरोन्स फॉर्मूले के सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड जो क्वेश्चन है वो इस बार सिलेबस से हट चुका है, क्योंकि उसमें क्या है, क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड करना है। क्वाड्रिलेटर का एरिया और हीरोन्स फॉर्मूले की हेल्प से जो फाइंड करना होता है वो इस बार हट गया है, तो वो क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं उसको हम। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, आप लोग अपने बुक में देख लीजिए। अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस। एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों के बेस इक्वल गिवन है। इफ द साइड ऑफ ट्राइंगल इज 26, 28, 30 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल की साइड 26, 30 और 28 गिवन है, और ये भी गिवन है कि पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। जो पैरेललोग्राम का बेस है वो 28 है और ट्राइंगल का भी जो है वो भी 28 है, ये दोनों सेम है और इनका एरिया भी इक्वल गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों की हाइट फाइंड करनी है। इनका एरिया गिवन है, इक्वल गिवन है, हमें हाइट फाइंड करनी है। पैरेललोग्राम की हाइट कौन सी होती है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये पैरेललोग्राम की हाइट होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे, उसको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल रख देंगे, वहाँ से हाइट आ जाएगी। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूले का हेल्प, हीरोन्स फॉर्मूले के हेल्प से करते हैं। तो पहले हम क्या फाइंड करते हैं, एस की वैल्यू फाइंड करते हैं। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, जैसे आपने पहले भी किया है, तीनों साइड को ऐड करते हैं, उसके बाद हम डिवाइड कर देते हैं, तो वहाँ से सेमी पेरीमीटर आता है। ये कितना आ जाएगा, 30, 28 और 26, ये आ जाएगा, अब अपॉन टू करेंगे 42 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ से एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 42 में से फर्स्ट साइड माइनस करेंगे, 42 में से सेकंड साइड माइनस करेंगे और 42 में से थर्ड साइड माइनस करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 42 माइनस करके आ जाएगा 12 इंटू 16 इंटू क्या आ जाएगा, 14। अब क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, 42 के फैक्टर कर सकते हैं ऐसे हम, 2 × 3 × 7 इसका आ जाएगा, 2 × 2 × 3 इसका आ जाएगा, 4 × 4 × 7। अब देखिए, आप इसको 4 × 4 क्यों किया, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, चाहे तो आप 2 × 2 भी कर सकते हैं। अब देखेंगे आप में कि ये जो पेयर बन रहा है, इस 4 में से एक 4 बाहर को आ जाएगा, ये 2 है, ये 2 है, एक 2 बाहर आ जाएगा, उसके बाद ये वाला 2 है, ये वाला 2 है, इन दोनों में से एक 2 बाहर आ जाएगा, उसके बाद ये 7 है, ये 7 है, एक 7 बाहर आ जाएगा, एक 3, एक 3, एक 3 बाहर आ जाएगा। मतलब ये रूट हट गया, ये रूट सारा का सारा हट गया। अब इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करते हैं 48 × 7 = 336 × 7 किया जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर किया जाएगा। अब देखें, क्वेश्चन गिवन है कि एरिया पैरेललोग्राम जो है एरिया ट्राइंगल के इक्वल है। यहाँ पर लिख देंगे सेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू इतनी है, एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 336 इक्वल टू बेस कितना है, 28 इनटू एच, तो यहाँ से एच की वैल्यू हो जाएगी 336 अपॉन 28, इसको कैंसिल कर देंगे, 4 × 4 = 168 ये आ गया 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर के आगे इसकी हाइट आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुक में देखिए आप लोग। फिफ्थ क्वेश्चन है, ये है कि अ रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज़ ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउ टू ग्रेज। एक रोम्बस शेप्ड फील्ड गिवन है, अब वो जो फील्ड है उसका एरिया है 18 काउस के लिए, जिसके अंदर ग्रीन ग्रास है वो 18 काउस के लिए सफिशियंट है। इफ़ द साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर, इनकी साइड जो है 30 मीटर गिवेन है और लॉन्गर साइड जो है इसका डायगोनल जो है वो 48 गिवेन है, तो हमें फाइंड करना है हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड वुड ईच काउ बी गेटिंग। एक काउ को कितना मिलेगा, हमें ये फाइंड करना है।
तो पहले हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे, एक ट्राइंगल का फाइंड करेंगे, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि दोनों सेम है तो पूरे रोम्बस का एरिया आ जाएगा। उसके बाद उसको हम 18 से डिवाइड कर देंगे तो 1 काउ को कितना मिलेगा ये चल जाएगा पता। अब ये टोटल जो है 18 काउस के लिए है, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी का निकाल देते हैं, उसके लिए एस निकालना पड़ेगा, 30 + 30 + 48 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 108 अपॉन 2 हो जाएगा 54 मीटर आ जाएगा। अब एरिया निकाल देंगे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एस यानी 54 में से पहली साइड माइनस करेंगे, 54 में से दूसरी साइड माइनस करेंगे और 54 में से तीसरी साइड माइनस करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 54 माइनस करेंगे 24, ये भी 24 आ जाएगा, इनटू 48 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 6। उसके बाद हम इसके फैक्टर कर देंगे 54 के, ये 24 को फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पेयर है, एक पेयर बाहर आ जाएगा, 24 बाहर को आ गया, अंदर क्या बच जाएगा 54 इंटू 6, और उसके बाद इसके फैक्टर कर देंगे 54 के कर देंगे 2 × 3 × 3 × 3 × 2 × 3, यहाँ पे एक 2 का पेयर बन गया, एक 3 का बन गया, एक 3 का बन गया, 24 × 2 × 3 × 3 यानी कि आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 432 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब ये आएगा एक ट्रायंगल का एरिया है तो पूरे रोम्बस का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 2 × एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 432 की कितना आ जाएगा 864 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और टोटल काउस कितनी है, 8 काउ हैं यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे हैंस एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड, एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विच ईच काउ गेट्स, एक काउ कितना मिलेगा, टोटल मिलता है 18 काउस को, तो एक को कितना मिलेगा 18 से डिवाइड कर देंगे, आ गया मीटर स्क्वायर, ये आ गया, एक काउ को कितना मिलेगा 48 मीटर स्क्वायर ग्रास मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन, एक अम्ब्रेला है इस टाइप से और अम्ब्रेला में 2 कलर से क्लॉथ लगे हैं, इसमें क्वेश्चन है एन अम्ब्रेला इज मेड अप ऑफ स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर, 2 डिफरेंट कलर के पीस से अम्ब्रेला बना हुआ है और इसका हमें एक ट्रायंगुलर जो पीस है उसकी साइड गिवन है 50 50 20, हमें फाइंड करना है हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज़ रिक्वायर्ड फॉर अम्ब्रेला, ईच कलर का कितना जो क्लॉथ लगा है फाइंड करना है, तो हम यानी कि टोटल कितने 10 पीसेस हैं, तो हम एक ट्रायंगुलर का एरिया फाइंड करके उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 एक कलर का है, 5 एक कलर का है, तो यहाँ से एरिया आ जाएगा, तो हम निकालेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पीसेस क्या जाएगा, एस की वैल्यू आ जाएगी 200 √6,
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यह है अ काइट इन शेप ऑफ स्क्वायर। एक काइट जो है स्क्वायर की शेप में है। डायगोनल कितना गिवन है? 32 गिवन है। बेस 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का बेस है। ये 3 अलग अलग कलर के बने हुए हैं। ये फर्स्ट कलर ये हो गया, सेकंड कलर ये हो गया और थर्ड कलर ये हो गया। 3 अलग अलग कलर से बने हैं। तो फाइंड करना हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बीन यूज। तीनों में कितना पेपर यूज हुआ है बनाने में। तो इसका डायगोनल गिवन है स्क्वायर का, साइड गिवन नहीं है। तो मैं साइड पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी स्क्वायर का डायगोनल कैसे फाइंड करते हैं। अगर किसी स्क्वायर की साइड ए है तो उसका डायगोनल होता है ए अंडर रूट टू होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। डायगोनल कितना होता है? साइड अंडर रूट टू। तो इसकी साइड सपोज कर लेते हैं। सपोज साइड ऑफ स्क्वायर काइट इक्वल टू ए। तो डायगोनल क्या हो जाएगा? डायगोनल जो होता है साइड अंडर रूट टू, ए अंडर रूट टू होता है फॉर्मूला डायगोनल का। तो डायगोनल की वैल्यू 32 की बने, तो इक्वल टू ए अंडर रूट टू रख देंगे। तो यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 32 अपॉन रूट टू हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है तो इसको हटाना पड़ेगा, इसलिए ऊपर नीचे रूट टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं रेशनलाइज करना। रूट टू इंटू रूट टू कितना आएगा? 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 16√2। तो इसकी साइड कितनी आ गई? 16√2 सारी के सारी 16√2 आ गई है। अब हम क्या करेंगे? ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। जो फर्स्ट पार्ट का एरिया होगा वही सेकंड पार्ट का होगा। एक साइड 16√2, दूसरी साइड 16√2, थर्ड साइड कितनी होगी? 32 हो गई है। तो यहाँ से एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले साइड एस निकालेंगे। तो एस क्या हो जाएगा? 16√2 + 16√2 + 32/2 हो जाएगा। 16√2 + 16√2 कितना हो जाएगा? 32√2 + 32/2। यहाँ पे 32 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2√2 + 1/2। 2 से कैंसिल हो जाएगा 16 times। तो 16 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? √2 + 1। उसके बाद जो है यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 16√2 + 16। ये एस की वैल्यू आ गई है। अब हम एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होता है? s s - a s - b s - c। तो ये s की वैल्यू है 16√2 + 16 हो गया। और यहाँ से हम s - a निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 16√2 + 16। उससे पहली साइड माइनस कर देंगे, 16 16 16 कैंसिल। कितना आ गया? 16√2 है ये एक साइड। 16√2 16√2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा? 16 s - b भी यही आएगा 16। और s - c निकाल लेते हैं तो s - c क्या आ जाएगा? 16√2 + 16 में से क्या माइनस करेंगे? थर्ड साइड 32। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 16√2 - 16 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 16√2 - 16। अब देखिए 16 का एक पेयर बन गया, एक 16 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर ये बच गया और ये बच गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि a + b a - b। तो क्या हो जाएगा? a² - b² क्योंकि a + b a - b वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये 16 हो जाएगा। अब ये इसका स्क्वायर क्या होगा? 16√2 का स्क्वायर क्या होगा? देखिए 16√2 हम दो बार लिख देते हैं। 16√2 * 16√2 दो बार लिख देंगे। 16 * 16 ये आ गया। और √2 * √2 कितना होता है? 2। ये लिख दिया, हमने मल्टीप्लाई नहीं किया अभी, केवल लिख दिया है। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो 16 * 16 में कितने बार लिख दिया? 2 बार लिख दिया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? ये कॉमन आ जाएगा 16, यहाँ पे 16 * 16 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा? 2। यहाँ से पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो क्या बचेगा? 1। तो ये क्या आ जाएगा? 16 * 16 * 1 ये आ गया। अब एक ये पेयर और फिर से बन गया, एक बाहर से 16 था, एक पेयर ये बन गया तो यानी कि 16 आ गया। कितना आ गया? 256 cm². तो एरिया आ गया है एक पार्ट का। तो सिमिलरली हम लिख देंगे दूसरे भी पार्ट का ऐसे ही होगा। सिमिलरली एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट का एरिया भी कितना हो जाएगा? 256 cm² आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट का एरिया निकालना है हमें।
तो एरिया ऑफ थर्ड पार्ट का कैसे निकलेगा, फिर निकाल लेंगे एस, एक साइड सिक्स है, एक साइड सिक्स है, एट अपॉन टू ये कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ट्वेंटी अपॉन टू कितना हो गया, टेन हो गया। फिर से एरिया निकाल देंगे, टेन, टेन में से हमने सिक्स माइनस किया फोर, टेन में से सिक्स माइनस किया फोर, टेन में से एट माइनस किया टू, डाइड कर दिया मैंने एस माइनस बी एस माइनस सी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, टू इंटू फाइव, फैक्ट ये तो ऑलरेडी पेयर बन गया, फोर इंटू फोर का एक फोर बाहर आ जाएगा यहाँ से सीधे सीधे, इंटू टू, अब क्या हो जाएगा, फोर एक पेयर ये बन गया टू इंटू टू का, टू आ गया सिर्फ अंदर क्या बच गया, रूट फाइव, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एट रूट फाइव आ गया है, ये आ गया। अब हम रूट फाइव की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, अब देखिए यहाँ पे रूट फाइव की वैल्यू फाइंड करेंगे, रूट फाइव की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, फाइव पॉइंट जीरो जीरो लिख सकते हैं हम, अगर हमें एक डिजिट तक फाइंड करना है तो, दो डिजिट तक फाइंड करना है तो दो जीरो और बढ़ा सकते हैं। अब देखिए टू टू जा फोर कितना आया वन, ये पॉइंट ऊपर पहुंच गया, दो जीरो नीचे आ गया, ये टू टू ऐड कर देते हैं फोर, फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे कितने टाइम जाएगा, टू टाइम जाएगा, एट्टी फोर आ जाएगा, माइनस कर देंगे सिक्सटीन आ गया, ये दो जीरो आ गया, फिर ऐड किया फोर्टी फोर आ गया, अभी फाइव जा जाएगा कितना जाएगा, ये कुछ भी आए यहाँ पे छोड़ देंगे इसके आगे, यानी कि 2.25 अप्रॉक्सीमेटली आ गया, तो यहाँ से 8 इंटू 2.25 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका और कितना आ जाएगा, 18.00 आ जाएगा, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अप्रॉक्सीमेटली है यार, हो सकता है इसके आगे वैल्यू और आप आगे फाइंड करेंगे तो 17 पॉइंट कुछ और आ भी सकता है, एक्यूरेट नहीं आएगा ये, जितनी वैल्यू हम आगे बढ़ाएंगे उतना ये पॉइंट में आएगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 18 हम ले सकते हैं, जिसका थर्ड पार्ट का ये आंसर आ गया है। एट क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप से फ्लोट, अपने बुक में देखिए डिजाइन बनी होगी, फ्लोट टाइल है और उसमें गिवन क्या है, फ्लोट डिजाइन है, फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल से बना हुआ है पूरा सर्कुलर ये, और इसमें एक की साइड गिवन है एक ट्रायंगल की, ये 28 है, ये 35 है, ये 9 है, तो एक में दो टाइलें जुड़ी हैं, टू इसमें, टू इसमें, टू इसमें, ऐसे टोटल 16 है, तो एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरे टाइल का एरिया आ जाएगा, फिर लास्ट में कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एरिया ऑफ वन टाइल हम फाइंड कर लेंगे, एक टाइल का एरिया क्या हो जाएगा, 28 प्लस 35 प्लस 9 अपॉन 2 करेंगे, और ये ऐड करके आ जाएगा 72, कितना हो जाएगा ये, अपॉन 2 कर देंगे 36 आ जाएगा। अब यहाँ से एरिया निकाल देंगे, 36 इंटू 36 में 28 माइनस करेंगे और तो कितना आ जाएगा, 36 में से 35 माइनस करेंगे 1, 36 में से फिर 9 माइनस करेंगे 27, ये आ जाएगा इसकी हम, ये तो ऑलरेडी फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर है 36, तो करने की ज़रूरत नहीं, इसका सीधा सीधा 6 बाहर को निकाल देंगे हम, इस 8 को हमने 2 टू या 4 टू या 8 कर दिया, इसको 3 इंटू 9 या 27 कर दिया, तो 6 इंटू उसके बाद जो है ये पेयर बन गया 2 का, एक 2 बाहर आ गया, ये 9 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है 9 का, 3 बाहर आ गया, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, सिर्फ बच जाएगा 6, तो यानी कि कितना आ गया, 36 रूट 6 आ गया, जैसे मैंने रूट 5 की वैल्यू फाइंड की थी लास्ट अभी, वैसे आप रूट 6 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 6.00 करके, तो यहाँ पे रूट 6 की वैल्यू है, अगर याद करना चाहें याद कर सकते हैं आप, नहीं फाइंड भी कर सकते हैं, रूट 6 की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, वैसे अगर याद भी कर सकते हैं 2.449 होती है इसकी वैल्यू, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 88.164 आ जाएगा। अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेटली लेना चाहेंगे तो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ से 5 से बड़ा हुआ है तो 88 जो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर को ले सकते हैं। ये एरिया ऑफ वन टाइल आ गया है, तो एरिया ऑफ कितनी 16 टाइल निकालना है, तो 16 टाइल का एरिया क्या हो जाएगा, 88.2 इंटू 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे
ये आ जाएगा 1411.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट निकालेंगे हम, कॉस्ट ऑफ किसका निकालना, पॉलिशिंग करना है इसमें, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी दे रखी है, देखिए पैसे में दे रखी है तो उसको हम रुपए में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 0.50 रुपए आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ हमें किसका निकालना है, 1411.20 सेंटीमीटर स्क्वायर का करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1411.20 इंटू 0.50। अब मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 70.60 ये रुपए आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन है, बुक में फिगर गिवन है, देख लीजिएगा, वो ये क्वेश्चन गिवन है, इन्फॉर्मेशन गिवन है बुक में, ये ट्रेपेजियम है, उसकी पैरेलल साइड जो है 10 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है, और नॉन पैरेलल साइड जो है 13 और 14 सेंटीमीटर गिवन है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है, तो हमें हाइट फाइंड करनी पड़ेगी यहाँ पे भी, तो हम ये हाइट पहले फाइंड करेंगे तभी एरिया फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ये पैरेलल जो है इसके पैरेलल के लिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है, उससे क्या फ़ायदा होगा, ये एक पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये चारों की ये आपस की जो साइड है अपोजिट साइड पैरेलल हो गई, तो क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, ये 13 है तो ये भी 13 हो जाएगा, टोटल कितना है 25 में 10 माइनस हो जाएगा, तो नीचे की साइड कितनी आ जाएगी, 15। अब ये ट्रायंगल है, ये है, इसको हम नेम भी दे सकते हैं, ए बी सी डी ई, तो ए बी सी में आप देखिए इसकी ये 14 है, ये 13 है, ये 15 है। हम क्या करेंगे, पहले इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे हीरोन फॉर्मूले की हेल्प से, फिर निकालेंगे हाफ बेस इनटू हाइट की हेल्प से, तो वहाँ से दोनों इक्वल लग के हाइट आएगी। तो पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, तो ये निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, निकालने के लिए एस निकालेंगे पहले, 14 + 13 + 15/2 कर देंगे, और ये कितना आ जाएगा, 42/2 हो जाएगा, ये कितना आ गया, 21 आ गया। अब एरिया निकालेंगे इसका 21, 20 में से हम साइड माइनस करेंगे, 15 माइनस कर देंगे एक साइड, तो 15 माइनस करने के बाद 6 आ जाएगा, 14 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, 13 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। तो ये है, हम कर देंगे यहाँ से, तो उसके बाद जो इसके फैक्टर बना देंगे, 3 7 = 21, 3 2 = 6 इंटू 7, और 8 का क्या जाएगा, 2 2 = 4 2 = 8। अब देखिए 2 के 1 2 3 4, 4 times 2 है तो बाहर आके कितना हो जाएगा, 2 times, 3 जो है 2 times है, बाहर आके सिंगल 3 आ जाएगा, 7 कितने टाइम है, 2 times है, एक सिंगल बाहर आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने 84 यह आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया, ये तो एरिया आ गया। अब हम इसका एरिया दोबारा फिर निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का हाफ बेस इनटू हाइट से निकालेंगे, बेस कितना है 15 और हाइट कितना है h। अब ये भी एरिया है एबीसी का और ये भी एरिया है, अब दोनों को इक्वल रख देंगे, हाफ 15 इंटू h इक्वल टू कितना हो जाएगा 84, तो यहाँ से हम निकाल देंगे h की वैल्यू, तो 84 ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 15, 3 5 = 15 ये आ जाएगा 56.56/5 हो जाएगा 11.2 आ गया यहाँ से। अब ये हाइट आ गई, अब क्या निकालेंगे, एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड 10 है, दूसरी पैरेलल साइड 25 है, इनटू हाइट कितनी है 11.2, तो 1/2 इनटू 35 इनटू 11.2, पॉइंट हटा के इनसे 10 लगा दिया हमने, 5 2 = 10, 5 7 = 35, 2 से कैंसिल किया तो ये आ गया, इससे कैंसिल किया 28, तो आ गया 7 × 28, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 196 मीटर स्क्वायर आ गया, ये आंसर आ गया आपका, और एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई यहाँ पे। थैंक यू।